अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, क्या हाल चाल है भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईशान शेख व्लॉग्स। यार ये भी देखें जो मैं आप लोगों को टॉपिक्स बता रहा हूँ इंग्लिश के, ये भी हमारे एक व्लॉग की तरह ही है, ठीक है ना? बिकॉज इट्स अ व्लॉग वीडियो, सो इंशाल्लाह व्लॉग्स भी आपको बहुत जल्द मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हमारे पास टॉपिक्स बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि बिकॉज यार मेरे पास बहुत सारी मसलियात आ रही थी इंग्लिश को लेकर। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि यार इंग्लिश को लेकर कुछ बनाए, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई इंग्लिश को लेकर कुछ बनाया जाए। सो बॉस, आज का हमारा टॉपिक है इज़ ए मार अफ्रेड ऑफ, ठीक है भाई? डेफिनेशन हमारे पास सिंपल अल्फाजों में है जो कि आपको आसानी समझ आ सकती है कि सब्जेक्ट को किसी से कोई काम करने से डर लगता है या सर अंजाम देने से डर लगता है। मतलब सब्जेक्ट को कोई भी किसी भी किस्म का काम करने से डर लगता है, ठीक है? अफ्रेड ऑफ का मतलब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़ ए मार है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट इज़ ए मार अफ्रेड ऑफ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज़ ए मार नॉट अफ्रेड ऑफ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, इज़ ए मार सब्जेक्ट अफ्रेड ऑफ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार, इज़ ए मार सब्जेक्ट नॉट अफ्रेड ऑफ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मुझे अकेले छत पर जाने से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ गोइंग टू ऑन टेरिस अलोन, ठीक है? हमको इसमें वो बातें बतानी है जो चीज़ करने से हमको वाकई डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ गिविंग एग्ज़ाम, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि मुझे पेपर देने से डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ टेकिंग मनी फ्रॉम माय फादर, मुझे अपने अब्बा से पैसे लेने में बहुत डर लगता है, ठीक है? आई एम अफ्रेड ऑफ बाइक एक्सीडेंट, मुझे बाइक एक्सीडेंट से डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ गोइंग टू कराची। इस तरीके से हम बहुत सारे इसके अंदर सेंटेंसेस डर वाले बना सकते हैं। सिंपली हमारे पास ये एक टॉपिक है जो कि आपको उम्मीद करता हूँ आसानी बिल्कुल सिंपली जो है समझ आ गया होगा। ज़्यादा मॉडिफाई नहीं हुआ हुआ, ना ही कोई इसमें पंचायत है, बस एक पिक्चर है और आप लोग को सारी बातें क्लियर से आपके सामने, ठीक है? इसी तरीके से है हमारे पास यूज़ ऑफ वॉज बार अफ्रेड ऑफ। डेफिनेशन क्या है? सब्जेक्ट को किसी कोई सब्जेक्ट को कोई काम करने से डर लगता था या अंजाम देने से डर लगता था, ठीक है? वही बात है कि पहले आप कह रहे हैं कि मुझे छत पे जाने से डर लगता है, अब आप कहेंगे मुझे छत पे जाने से डर लगता था। मतलब पहले आपने अपनी बात बताई प्रेजेंट यानी हाल में, अब आप अपनी बात बताएंगे माजी में यानी पास्ट में जो गुजर चुकी है कि भाई मुझे छत पे जाने से डर लगता था, सिंपल, ठीक है? वॉजर का मतलब होता है था, थी, थे। इज़मार का मतलब होता है हूँ, है, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला है वॉजवर का हमारे पास, सब्जेक्ट वॉजवर अफ्रेड ऑफ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वॉजवर नॉट अफ्रेड ऑफ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, वॉजवर सब्जेक्ट अफ्रेड ऑफ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, वॉजवर सब्जेक्ट नॉट अफ्रेड ऑफ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई? अब सिंपली इसमें देखें बात कुछ ऐसी है कि इसके अंदर हम फोर्थ फॉर्म क्यों लगा रहे हैं दोनों के अंदर, वो रीज़न ये है बिकॉज देखिए ऑफ आ गया और ऑफ के बाद फोर के बाद आफ्टर के बाद हमेशा हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का अप्लाई करते हैं, ठीक है? किस किस के बाद नोट कर लीजिएगा, फोर के बाद, आफ्टर के बाद, ऑफ के बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है भाई? समझ गए हैं मेरी बात, डन हो गया। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आई एम अफ्रेड ऑफ वॉचिंग हॉरर मूवी इन अलोन, मुझे अकेले में ड्राउनी मूवी यानी ड्राउनी फिल्म देखने से डर लगता है, था, डर लगता था। हम किसी को बताते हैं कि यार मुझे इस चीज़ से पहले डर लगता था, यार मुझे इस चीज़ से पहले डर लगता था, तो इस तरीके से ये वॉजवर अफ्रेड ऑफ है। इसमें हम बताएंगे कि हमको किस चीज़ों से डर लगता था। आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग मैच ऑफ पाकिस्तान, मुझे पाकिस्तान के मैच हारने से डर लगता था, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आई में सेंटेंस बनाया, हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वी यू दे ही शी डैम उसके अंदर सबके साथ बना सकते हैं। उसको मुझसे बात करने से डर लगता था, ही वॉज अफ्रेड ऑफ टॉकिंग टू मी, शी वॉज अफ्रेड ऑफ टॉकिंग टू मी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ उन्हें यहाँ आने से डर लगता था, दे आर अफ्रेड ऑफ, देवर अफ्रेड ऑफ टॉकिंग, देवर अफ्रेड ऑफ कमिंग हेयर, देवर अफ्रेड ऑफ टॉकिंग विथ मी, ठीक है? दे आर अफ्रेड ऑफ बाइंग वेजिटेबल्स, उन्हें सब्जियाँ खरीदने से डर लगता था। एक एग्जाम्पल है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हमें पहाड़ों पे जाने से डर लगता था, वी वर अफ्रेड ऑफ गोइंग ऑन माउंटेन्स, ठीक है? अच्छा यहाँ पे भाई देखिए इज़ मार में ही शी नेम के साथ इज़ लगेगा, वी यू दे के साथ आर लगेगा अगर हम सब्जेक्ट दूसरों की बात करेंगे तो। मीन्स जैसे हम दूसरों सब्जेक्ट को की भी बात करते हैं ना कि भाई ये वो ज़्यादा लोग या फिर लड़की या लड़का एक्स वाई जेड, ठीक है? और वॉजवर के अंदर लगता है, देखिए ही शी नेम के साथ वॉज लगता है और वी यू दे के साथ वर लगता है, ठीक है? इसका प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर भी है। हर यूज़ का, हर वर्ड्स का प्रेजेंट भी होता है यानी हाल भी होता है, पास्ट यानी माजी भी होता है और फ्यूचर यानी के मुस्तकबिल भी होता है, ठीक है? आज के लिए इतना बहुत है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है फिर आपसे एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द मुलाकात करेंगे।
तो हमारे चैनल पे आपको टोटल सारा आसानी से ग्रामर आप सीख सकते हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप मेरे रूल्स फॉलो करेंगे, मेरे टॉपिक्स पढ़ेंगे, मेरी बात को समझेंगे, जुमले बनाएंगे, तो आप आसानी अंग्रेज़ी बहुत आसानी से बोल सकते हैं। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।